चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की भारत और समकालीन विश्व सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग एक चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज बात करेंगे हम भारत में राष्ट्रवाद की। बता देता हूँ, आप अगर सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो आप एनसीईआरटी समय रहते हुए पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है और बिना पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है। ठीक है, तो कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की लगभग सभी बुक्स कवर हो चुकी हैं। ये बुक्स खत्म होने के बाद विज्ञान बचती है और फिर आपकी 11 और 12 की बचती है, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे। और आपकी जो एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपके सभी लेक्चर डले हुए हैं, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा कि कहते हैं कि यूरोप की देन है, यानी कि अंग्रेजों की देन है भारत में राष्ट्रवाद। तो याद रखिए, इस तरह की मनगढ़ंत कथाएं हर बार गढ़ दी जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब कह देते हैं कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है ये भी बाहरी देशों की है, तो आप समझते हैं कि चाणक्य की बायोग्राफी हम लोगों ने देखी है। आप लोगों ने देखा होगा चाणक्य, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी स्वामी के बारे में पढ़ा होगा। तब से आप लोग देखिए हमारे देश में कितने महान बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, राजनीतिक हुए, विद्वान हुए हैं, हर क्षेत्र में ज्ञाता हुए हैं चाणक्य जैसा। आप सोचिए कि राजनीति में महारत कोई हासिल नहीं किए होगा कि एक छोटे से व्यक्ति को नीचे से उठाकर किस तरह से ऊपर एक शिखर यानी कि राजगद्दी पर बैठा देता है। तो हम लोगों ने लिया है, बाहरी देशों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन पूरी तरह से हम लोगों ने फोटो कॉपी करके नहीं यूज किया है। समझ रहे हैं आप लोग? जो हमारे लिए अच्छा था हम लोगों ने वही सीख ली है वहां से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपका भारत में राष्ट्रवाद है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। यह भावना बदल गई कि उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा है। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों, विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह से पैदा हुई। एक वो आपने देखा होगा जैसे आपके गांव में कोई कुछ बन गया, अधिकारी बन गया मान लीजिए, ठीक है, आप क्या कहेंगे? लोग अगर दूसरे दिन, आप दूसरे साल, 2-4 साल बाद आप अधिकार बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति ने आपको बना दिया। हाँ, हो सकता है आपने उससे सीख ली, वो हुआ तभी आपके अंदर मोटिवेशनल जागा, आपके मोटिवेशनल मिलता रहा मोटिवेशन उससे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसने आपको बना दिया। तो हाँ, आपने मतलब एक मतलब उससे अपना प्रेरणा, उससे प्रेरणा ली, इसके बाद आप आगे बढ़े, तो यही हम लोगों ने किया। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्र के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशी शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूहों पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग जब 1857 से पहले की बात की जाए तो क्षेत्रीय एकता थी हमारे देश में। आप देखते होंगे कि राजा अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ भी करता रहता था, यानी कि अपने क्षेत्रों के प्रति उनका लगाव था, हमारे देश के प्रति किसी राजा का उस समय लगाव नहीं था। 1857 से मतलब एकता राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में एकता का भाव पैदा होता है। 1857 की क्रांति होती है, वो पूरी तरह से सफल नहीं होती है, लेकिन एक मार्गदर्शन के लिए काफी उसमें कुछ सीखने को मिलता है। इसका नेतृत्व सबसे अच्छा किया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। उसके बाद आपने देखा क्रम से राष्ट्रीय आंदोलन चलते गए और राष्ट्र में एक मतलब एकता जुड़ती गई। कांग्रेस एक ऐसा कह सकते हैं कि सबको जोड़ने वाली संस्था बन चुकी थी। समझ रहे हैं आप लोग?
और आप समझिए कि पहले क्या हुआ करता था कि लोगों को पता नहीं था, शोषण सबका हो रहा था लेकिन हर किसी को अपने अपने हिसाब से मालूम नहीं था। तो लास्ट में उन्हें पता चला कि शोषण हो रहा है, उपनिवेशवाद हमारा शोषण कर रहा है। तो सब लोगों का क्या एक ही उद्देश्य था, आजादी, अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए, और इसी एकता ने हमें आजादी दिलाई। ठीक है, तो ये काम सबसे ज्यादा किसने किया, कांग्रेस ने, क्योंकि उससे पहले भी आप देखते हैं कि कई तरह के संगठन हमारे देश में शामिल थे, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र की, एक तरह से आप अपने अपने समाज के लिए काम कर रहे थे। आप सुनते हैं कि सिंधिया ने, आपने सुना होगा कि सिंधिया ने उसका अंग्रेजों का साथ दिया, भोपाल की महारानी ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनका साथ देना उस समय लाजमी था। आप लोग सोचिए कि आज आपसे अगर कहा जाए कि पाकिस्तान पर अमेरिका परमाणु हमला कर रहा है, तो आप क्या पाकिस्तान का साथ देंगे? कभी नहीं देंगे ना। तो यही होता था कि उस समय झांसी अलग देश की तरह था और जो ग्वालियर था ये अलग देश की तरह देखे जाते थे। तो ग्वालियर बचाने के लिए सिंधिया ने क्या किया कि झांसी का की रानी का साथ नहीं दिया। समझ रहे हैं आप लोग, उस समय इस तरह क्षेत्रीय, मैंने बताया ना कि क्षेत्रीय भावना पैदा हुई थी, अपने क्षेत्र को बचाने की कवायद में लगे हुए थे, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं था किसी का। ये तो जाकर आप 1885 यानी कि 1857 के बाद देखते हैं, 1857 में आप देखते हैं कि कई, 1857 की जब क्रांति होती तो उसमें भी कई समूह आपके शामिल हो जाते हैं, वहां से जन्म लेना शुरू होता है इसका। पहली की ओर कि एक पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह के हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। एक चित्र आप देख रहे होंगे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को। पहले आपने देखा होगा कि अभी भी आप देखते रहते हैं कि सफेद कपड़ा नेता के द्वारा पहना जाता है, सफेद टोपी लगाई जाती है, ये किसका प्रतीक था पता है? क्योंकि आप देखते हैं सफेद कपड़े पर कोई दाग यानी कि धब्बा लग जाए वो साफ दिखाई देता है। तो नेताओं का मतलब ये हुआ करता था उस समय में कि हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हम बहुत ईमानदारी है। लेकिन आज के समय में भी देखिए आप लोग, नेता सफेद कपड़ा तो पहन रहे हैं लेकिन कितने दाग हैं उनके ऊपर, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो आप समझिए कि उस समय के नेताओं और आज समय के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है, समझ रहे हैं? और आज के नेताओं की उस समय के नेताओं से तुलना भी बात किया करेगा, क्योंकि उस समय के जो नेता अगर ऊपर बैठे होंगे भगवान के पास तो वो अपने आप को कोसने लगेंगे कि हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है नेता। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा हो गया, ये 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह की बड़े जुलूस आम बात थी, यानी कि सड़कों पर इस तरह की जुलूस निकल रहे थे। आप सोचिए सभी लोग क्यों शामिल हुए, अगर इनके प्रति, इनके मन में अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम ना होता तो लोग मतलब इकट्ठे क्यों होते? आप सोचिए कि सबके अलग अलग स्वार्थ होते तो ये लोग इकट्ठे कभी ना होते, कम से कम एक बिंदु ने इन्हें, एक किसी आधार स्तंभ ने जोड़ा तो है ना, फिर चाहे आजादी के प्रति हो या फिर किसी और भावना के प्रति हो, किसी धर्म के प्रति हो। आप समझिए कम से कम तभी कोई आंदोलन सफल होता है जब उसमें सभी वर्ग, फिर चाहे नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, फिर चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी भाग लेते हैं तभी जाकर सफलता मिलती है। 1857 की क्रांति में हमने देखा है कि वहां हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें हमने देखा है कई ने साथ दिया भारत का हमारे देश में, मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो कई ने हमारे खिलाफ भी जाकर षड्यंत्र रचा। चलते हैं पहले विश्व युद्ध की ओर और खिलाफत और असहयोग आंदोलन देखते हैं। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था, उसने नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनका क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए
और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किलें बढ़ गई और गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918, 1919 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भीग और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोगों की मारी गई। इसमें एक बात आओ आप लोग हमेशा याद रखिए, आप सोचिए कि सबके मन में देखिए अंग्रेजों के प्रति नफरत फैलती जा रही है और सबको लगने लगा, फिर चाहे आप देखिए किसान हो, फिर चाहे आप किसी भी जाति का व्यक्ति हो, आदिवासी हो, फिर चाहे आप जनजाति जो भी आपके हो, उन्हें सबको लगने लगा कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं हर तरह से। इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक लाभमंद हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि विश्व युद्ध में जितना भी खर्च हुआ उसकी वसूली कहां से की गई? अमेरिका बाकी देश बाद में शामिल हुए इसमें। अंग्रेजों ने पूरा हमारे यहां से, मतलब गांधी जी ने क्यों साथ दिया था पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का? क्योंकि उनसे मतलब उन्हें भरोसा था कि ये युद्ध जीतने के बाद कुछ छूट दे देंगे, हमें आजाद कर देंगे। इसीलिए आपने देखा है गांधी जी हर जगह जाकर गांधी जी ने इकट्ठा किया लोगों को, लेकिन 1918 में ये खत्म होता है। उसके बाद एक तरह से मतलब आप कह नहीं देते हैं कि काय की आजादी, यही अंग्रेजों ने किया। और जितना मतलब इसमें खर्च हो रहा था उसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज हमारे यहाँ से भरपाई कर रहे थे, यानी कि अपने देश से कुछ नहीं पुजा रहे, उसमें हमारे देश से कर बढ़ा दे रहे, सीमा शुल्क लगा दे रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को बुलाकर मरवा रहे हैं। मतलब जितने सिपाही जाएंगे वहां वो जिंदा तो लौट नहीं आएंगे, हजारों लाखों लोग मारे गए। तो ये सभी मतलब एक तरह से आप समझिए कि पूरी तरह से भारत को दबा दिया गया। तो भारत में और रोष यहाँ के लोगों में और गुस्सा अंग्रेजों के प्रति भटकता रहा। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक मालूम था कि लोग तो सोचते थे कि उन्हें आजादी मिल जाएगी, गांधी जी का यही सोचना था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। जबरन भर्ती की बात करें तो इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। सीधा सा कहने का मतलब है कि आपकी इच्छा ना हो और जबरन आपको सेना में शामिल कर लिया जाए, इसे ही जबरन भर्ती कह देते हैं। अब चलते हैं सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, क्योंकि आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे गांधी जी। तो महात्मा गांधी कब लौटते हैं? जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। नस्ल भेदी का मतलब होता है भेदभाव करना एक नस्ल से दूसरा। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ था कि अगर आपको उद्देश्य सच्चा है, आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखते और सहजभाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। आप अगर कह रहे हैं कि गांधी जी ने अहिंसा मतलब अहिंसा के रास्ते को जन्म दिया, तो ये मुझे लगता है कि हमारे देश में प्राचीन भारत से ही हम देखते हैं, बुद्ध के समय से, महावीर जैन के समय से, तब भी तो हमने देखा है कि अहिंसा की बात की गई है। हाँ, लेकिन इतना है कि 19वीं सदी में आप देखते हैं कि भारत में गांधी जी ने ही इसका प्रयोग किया, गांधी जी ने ही एक नया रास्ता इसे बनाया आंदोलन करने का। समझ रहे हैं आप लोग? ये आपका एक पिक्चर्स देख रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक स्तवष्ट
से गुजर रहे हैं। 6 नवंबर 1913 की ये पिक्चर्स है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल वाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर आश्रितों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। याद रखिए, गांधी जी ने वहां सत्याग्रह शुरू किया, कहां? अमेरिका में। लेकिन सफल भारत की बात करें तो चंपारण में आप लोग उनका सफल सत्याग्रह देखते हैं, भारत की बात की जाए। ठीक है, एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कुछ बेहतर समझा पा रहे हैं आप लोग, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। जो भी आपकी सलाह होगी, आपकी जो भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं इस तरह की क्लासों में, तो देखिए, मैं यहाँ कोई ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग सभी दोस्त हैं, एक हम लोग फैमिली की तरह पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है कि कहीं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी क्लास में लगता है कमी है, उसे आप सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें लिखकर अच्छे से समझा दीजिए। ठीक है, एक परिवार की तरह हम लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद भी जा पहुंचे। तो पहला सफल आंदोलन, अगर गांधी जी की बात करें, तो 1917 का चंपारण का आंदोलन था। ठीक है, भारत की बात की जा रही है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसे भी देख लेता हूँ। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रही प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, यानी कि आत्मा जो हमारी है ये हमेशा ज्ञान से भरी रहती है। इसमें व्यापार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता है। अंग्रेज युद्ध के देवता देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म के को आत्मसात कर लिया। आप भी जानते हो, उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितने अंग्रेजों बाकी यूरोप के देशों के पास थी। आप समझ रहे हैं, हम लोग उनसे हथियारों में शुरू में मुकाबला नहीं कर सकते थे, आप भी जानते हैं। इसलिए आपने देखा है गांधी जी का रास्ता कई हद तक अच्छा भी रहा है और हर तरह से सफल भी रहा है। और बाकी का योगदान ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरह से आप दूसरे पक्षों को नकार दें, सभी लोगों का योगदान रहा है एक तरह से आजादी में। ठीक है, यही कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग रॉलट एक्ट की तरफ। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी बाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अयोग्या चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। एक बात आपको बताऊं कि इसमें सीधा सा मतलब था कि आप किसी भी को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, ना कोई मुकदमा चलाना, ना कोई सुनवाई करनी है, ना किसी अदालत में जाना है। आप सोचिए, इसमें सोच होता हुआ क्या कि मैन मैन नेताओं को 2 साल के लिए बंद कर दीजिए, आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा अपने आप।
तो इसी का गांधी जी ने विरोध किया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर की ने कमान संभाल ली। और वैसे भी आप लोग देखते हैं कि देखिए, जब से गांधी जी आए भारत में, उसके बाद हर आंदोलन बहुत मतलब तीव्रता से बढ़ने लगा। ऐसी गांधी जी को एक शक्ति के रूप में मानते हैं हम लोग, कि उनसे हर कोई जुड़ने लगा, हमारे समाज का हर हिस्सा मतलब उनमें जाने लगा, साथ देने लगा। 1920 तक आते आते आप देखते हैं कि महिलाएं ही बड़ी बड़ी महिलाएं भी बड़े स्तर पर भाग लेने लगी राष्ट्रीय आंदोलनों में। 13 अप्रैल की घटना आप लोग याद हमेशा रखिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जो जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था, यानी कि दबाने के लिए लोगों के मन में भय रहे, डर रहे, इसी के लिए इस तरह की घटना की गई। बहुत बड़े स्तर पर लोग इसमें मारे गए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगी और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगी। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम कर मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा? जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, इसे वापस ले लिया। एक बात और आपको बताऊंगा कि जितने बार इन्होंने अंग्रेजों ने इस तरह के प्रयत्न किए, हमें दबाने की कोशिश की, उतना ही हमारे यहाँ के आंदोलन आपका बढ़ता गया। क्या हुआ? बढ़ते गए असहयोग आंदोलन, यानी कि इनका सहयोग ना करना। ये आप देख रहे हैं, जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ये देख रही होगी पिक आपको, पंजाब 1919 की पिक है। भले ही रॉलट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, यानी कि एक मतलब कुछ ही लोगों तक ये पहुंच थी। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया
खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। तो आपका जो असहयोग आंदोलन था ये 1920 से चालू होता है। एक बात और बताऊं आपको, जो खलीफा था तुर्की का, मतलब ये आध्यात्मिक नेता, इसे सभी मतलब मुस्लिम हर देश में जो भी मुस्लिम फैले हुए थे ये अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? एक तरह से गुरु मानते थे। और आप समझिए कि खलीफा का पद समाप्त हो रहा था, तो इसी कारण मुस्लिमों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू में जब हम लोग शामिल नहीं हुए उस समय अंग्रेजों ने बहुत कुछ कहा देने के लिए। ये भी कहा कि तुर्की में से कोई मतलब यहाँ के प्रशासन से जो भी खलीफा है उनके पद से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जीतने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, इन्होंने सब अपनी मांगों को अस्वीकार कर दिया। ये भूल गए कि क्या हमने कहा था अपने वादे के समय। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग असहयोग ही क्यों, असहयोग ही क्यों। आखिर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के साथ किस कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि आप शुरू में आपने देखा होगा कि हमारे देश में वो किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए। उसके बाद देखा उन्होंने कि यहाँ तरह तरह की फूट है, हर लोग अपने अपने भरने में लगा हुआ है, अपना अपना काम करने में लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि आसानी से यहाँ शासन किया जा सकता है। उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपनी सेना भी नहीं बुलाई, हमारे यहाँ के लोगों को अपने सेनक बना लिया, व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को उपयोग करने लगे। तो समझिए हमारे अगर हम ही उनका साथ दे रहे थे, इसीलिए तो वो रुके रहे। आप देखिए 1947 तक जाके आपने देखा है कि सबने एक तरह से अपना हाथ खींच लिया, उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं रहा, इसलिए वो छोड़कर चले गए। वो कहते हैं ना कि लंका भेदी अपना ढाए, क्या कहते हैं, लंका भेदी, जो भी हुआ आप लोग पूरा कर लीजिए। तो जब तक अपने साथ नहीं देते हैं तब तक, समझ रहे हैं कहां क्या होता। इसीलिए तो कहता हूं कि हमेशा अपने लोगों का साथ दिया करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई विपत्ति आ रही तो वो अकेले नहीं लड़ सकता है, हो सकता है लड़ेगा और जीत भी जाएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं लड़ पाएगा वो आपका जितना साथ हो। एक दूसरे का साथ देते रहिए, समझ रहे हैं, क्योंकि यही एक मानवता का लक्ष्य होना चाहिए मुझे लगता है। वरना आप सोचिए किसी का ना साथ दें, हम लोग अपने अपने लिए जीते रहे, हम किसी के भी भरोसे की कोई परवाह ना करें, किसी को भी नीचे गिराते रहें, किसी को भी के भरोसे को तोड़ते रहें, किसी से कुछ भी झूठ बोलते रहें, कितने साल जी लेंगे, 100 साल, 200 साल, 250 साल, 500 साल, क्या उखाड़ लोगे। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा साथ देते रहिए और अपना मतलब एक रिश्तों को हमेशा बनाए रखिए और इन सब कामों से रिश्तों को हमेशा ऊपर भी रखिए। क्योंकि मैंने हमेशा देख बताया आप लोगों को, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ कि जिनके पास सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, उन्होंने आज भी रोते हैं बैठ के, समझ रहे हैं। किसी को नीचे गिरा कर, किसी को आप खत्म करके, किसी की खुशियां छीन के आप किसी को रुला के कभी खुश नहीं रह सकते, एक प्रकृति का नियम है, यही सोच लीजिए आप लोग। तो इसलिए एक दूसरे के साथ मिलीजुल कर रहिए, ठीक है। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां यानी कि जो उन्हें पद मिले हुए थे उन्हें लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती तो व्यापक सविनय अयोग्या अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे।
आज भी आप सुनते हैं कि चाइनीज सामानों का बायकॉट करने की बात की जाती है। तो देखिए उस समय विकल्प थे हमारे पास, हमारी इतनी जरूरतें नहीं थी। अगर हम लोग देखिए अगर हम वस्त्र रोक भी देते बाहर से तो हमारे देश में इतने खादी के वस्त्र थे कि हम अपना उपयोग कर सकते थे आज। लेकिन हम लोग बहुत हद तक चाइनीज सामानों पर निर्भर हैं। आप मोबाइल के मैं बताता रहता हूँ ना कि मोबाइल में देखिए, जब हमारे देश में बायकॉट चाइना का ये आंदोलन अभी चल रहा था हाल ही में, और एक फोन आया हुआ था रेडमी का कोई, उसमें सबसे ज्यादा बिक्री हमारे भारत में ही हुई। तो याद रखिए जब तक हम अपने भारत के नागरिकों को दूसरा विकल्प नहीं देंगे तब तक हम लोग सफल नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर भारत तभी सफल होगा जब चाइनीज सामानों को कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, आगे बात करते हैं। एक बहिष्कार शब्द आया हुआ है यहाँ, इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, या फिर गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद या फिर इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है बहिष्कार करना। आप भी तो कह देते हैं कि हमने इस समाज का बहिष्कार किया, या फिर हमने इन चीजों का बहिष्कार कर दिया, हमने इन कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। तो एक तरह से विरोध होता है, विरोध करना आपका बहिष्कार कहला देता है। ये आप चित्र देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जुलाई 1922 की ये घटना है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। वैसे आप लोगों को बताऊं कि मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर इन बुक्स में हमें क्या समझाऊं तुम लोगों को, समझ रहा? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं इन्हें तो आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको। इसीलिए मैंने क्या किया कि सभी आपको टेलीग्राम पर जो आपको बुक्स जरूरी थी उन सभी को डाल दिया है, क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है? और आप जानते हैं कि किसी भी कोचिंग में, फिर दिल्ली हो चाहे आपकी इलाहाबाद हो या पटना, कहीं भी आपका हो, कहीं भी आपको NCERT नहीं पढ़ाई जाती कोचिंगों में, ठीक है? तो आप लोग ये तो आपके बेस बनाने के लिए, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक आप मकान खड़े हो रहे हैं, तो आपकी नींव भरने के लिए इन बुक्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ 2 से 3 बार कम से कम मिनिमम आप लोग पढ़िए, उसके बाद आपके पास टाइम है तो जितना अधिक से अधिक हो सकते हैं पढ़िए आप लोग। याद रखिए ज्यादा बुक्स मतलब ज्यादा मटेरियल मत रख लीजिए अपने रूम में। NCERT और कोई इनसे संबंधित एक स्पेशल बुक, जैसे आप लोग ये पॉलिटी की बुक्स ले लीजिए तो NCERT प्लस प्लस एक आप एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, बहुत है इतना मटेरियल। बाकी आप करंट से जुड़े रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जर्मनी 1921 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन पहले शुरू हो चुका था, असहयोग आंदोलन बाद में। इन आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों में ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अलग अर्थ अलग अलग थे, समझ रहे? शहरों में आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुए। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा
बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। आप समझ सकते हैं यहां सफल हो सकते हैं आप लोग। उसकी कीमत 102 करोड़ रुपए से घटकर मात्र आपका 57 करोड़ रहेगी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। और आप सोचिए कम से कम इस समय कि लोगों के पास दूसरा विकल्प तो था। आज हम सोचिए कि पूरा आयात निर्वात बहिष्कार करें भी किसी सामान किसी विदेश के सामानों का, तो हमारे पास हमारी जनता के पास दूसरा विकल्प ही तो नहीं है। आप सोचिए एक तरह हम बात करते हैं डिजिटल भारत बनाने की, तो डिजिटल भारत ऐसे थोड़ी बन जाएगा। नेट की सुविधा चाहिए, मोबाइल की सुविधा चाहिए, तो मोबाइल कहाँ से आएंगे? हर किसी की क्षमता नहीं है कि आप सोचिए कि 50,000 का फोन खरीद ले या 20,000 का फोन खरीद ले। और बाकी आप चाइनीज कंपनियों के फोन की बात करिए तो 4 से 5 हजार फोन में हजार में आपको अच्छा सा फोन मिल जाता है। वही आप अगर कोई दूसरी कंपनी का दूसरे देश से जैसे सैमसंग का फोन लेंगे या और कोई मोबाइल तो वो आपको 10,000 में मिलेगा। तो हर कोई सस्ता सामान खरीदना चाहता है। यहाँ आपने देखा है एक पैकेटिंग शब्द पिकेटिंग शब्द आया हुआ है। इसका मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, जो मेन रास्ता होता है वो रोक लेते हैं। कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले पर्याप्त महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? वे मिलों के कपड़ों का बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थियों और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखने लगे। याद रखिए अगर इस तरह का कोई भी आंदोलन सक्सेस बनाना है या कोई भी मूवमेंट है, जैसे आप सोचिए चाइनीज सामानों का हमें मोबाइलों का अगर वाइकआउट करना है बहिष्कार करना है तो इसके विकल्प के रूप में कोई ऐसा फोन आप लोग लॉन्च कीजिए जो चाइनीज के फोन की कीमत का हो। तो यहाँ भी यही अगर हो जाता तो ये आंदोलन आगे बढ़ता रहता। शिक्षकों के लिए कोई मतलब आप सोचिए स्कूल खोल देना चाहिए थे, विद्यार्थियों के लिए सरकारी वकील तो ये वकील थे उनके लिए कोई व्यवस्था कर देते, जो कपड़ा महंगा हो रहा था वो सस्ते के ऑप्शन उपलब्ध करा देते, कोई इससे अलग ना होता। समझ रहे हैं आप लोग? ग्रामीण इलाकों में अगर विद्रोह की बात करें तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए यानी कि शामिल हो गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम की जाए और बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया और गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया।
महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से अधिक शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई भाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की मूल गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन की लकड़ी के लिए और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीन रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा थी कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती हैं। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता की गुणगाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बलप्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। एक बात आप सोचिए कि गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और देखिए इन्होंने आंदोलन का क्या मतलब निकाल लिया, हिंसा का रूप ले लिया, समझ रहे हैं। और याद रखिए इसमें अंग्रेजों ने क्या किया, जो जंगलों पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी, यहाँ लकड़ी भी काटने पर और यहाँ के जो फल थे उठाने पर रोक लगा दी। तो ये समझिए आप लोग कि कभी भी राजा महाराजाओं के समय भी जनजातियों के इलाके यानी कि जो आदिवासी रहते थे उनके इलाकों से छेड़छाड़ कभी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के बाद ये भी परिवर्तन हुए। तो याद रखिए हर मतलब वर्ग समाज का हर वर्ग इससे असंतुष्ट हो चुका था। यहां आप लोगों ने एक शब्द भी सुने हैं कुछ बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना। गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशित शासन के द्वारा बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी गयाना वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में ने इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता है। में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बागौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ। इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई और आप लोग जानते हैं कि जो सरदार की उपाधि मिली हुई थी ये इसी आंदोलन में मिली हुई थी। यहाँ कुछ आपका पॉइंट है। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटना स्थल का दौरा करना चाहते थे
लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खून खौल उठा था। अहिंसा तो ना जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। जिसे ईश्वर की कृपा से हम विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। यह आपका लिया गया सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी है, इसके खंड एक से मैं ये लिखा है, वहीं से उठाया गया से। अब बात करते हैं बागानों में स्वराज की। बात करें तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 में के इंग्लैंड इनलैंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब वो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया गया, उनकी बुरी तरह पिटाई की। आप ही सोचिए, आपके मन में आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब कुछ और होता है, दूसरे के लिए और होता है। आपके लिए खुशी का मतलब कुछ और है, दूसरे के लिए खुशी का और है। आप सोचिए, आप खुश किस में, आईफोन चाहिए आपको। एक गरीब को देखिए, किसी बस्ती में जाकर देखिए, उसके यहाँ कोई बच्चा है अगर, तो उसे किसकी जरूरत है। अगर उसे अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा कुछ मतलब सामान दे दें, तो वो खुशी उसके लिए अलग बात है, कुछ सोना। तो इसी तरह की, उस तरह भी हर कोई अपने अपने तब से अंदाजा लगा रहा था। कोई जागरूक करने वाला इतना बड़ा नहीं था कि सोशल मीडिया हो या इस तरह का कोई माध्यम हो कि सबको एक एक मतलब बता दिया जाए कि अहिंसा और गांधी जी का मेन उद्देश्य ये है। समझ रहे, सब लोग अपने अपने मन से सुन रहे थे, और कोई मतलब आपसे दूसरे के पास जा रहा है तो वो भी उसमें कुछ पॉइंट जोड़ दे रहा है और उसके आगे भेजता रह जा रहा है, कुछ बड़ा चढ़ा के, कुछ दूसरा रूप दे के। समझ रहे हैं, इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे योग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। एक बात और आपको बताऊं, जब गांधी जी वापस आए और इस तरह के आंदोलन चल रहे थे तो लोग गांधी जी को देखने आते थे। समझिए, आप लोग की भीड़ लग जाती थी केवल देखने के लिए कि एक सिंगल पीस, आप समझ सकते हैं कि एक लाठी लिए हुए, एक मतलब आप बदन पर कपड़ा भी अच्छे से नहीं है, वो किस तरह से आंदोलनों को सफल बना रहा है, अंग्रेज उससे किस कारण डरते हैं। इस तरह की धारणाएं आदमियों के दिमाग में, हर किसी के मन में बस गई थी, तो लोग उन्हें देखने के लिए जाते थे। भी कहीं भी जा रहे हैं तो भीड़ लग जाती थी। ये पिक्चर्स आपको देख रही होगी, चोरी चोरा 1922 में गोरखपुर स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया।
तो जो आपका असहयोग आंदोलन रोका गया था, ये चोरी चोरा 1922 की घटना के बाद ही रोका गया था। आगे चलते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर चलते हैं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला उसकी तरफ चलते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना या और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आप सोचिए, गांधी जी ने जब इस असहयोग आंदोलन को रोका उस समय इसमें कई मतलब इनसे गांधी जी की आलोचना भी की गई कि क्यों रोक दिया, ऐसा हो गया। एक बात आप लोग समझ लीजिए कि गांधी जी जानते थे कि अगर इस तरह का आंदोलन चलता रहा तो अंग्रेजों को एक मतलब बहाना मिल जाएगा कि उन्होंने चोरा चोरी घटना हुई है और उन्हें दमन करने के लिए एक बहाना मिल जाएगा, इसलिए रोकना जरूरी था। और एक बात ये भी था कि जनता लंबे समय तक देखिए कोई भी नहीं लड़ सकता है। हम लोग भी अगर आप लोग भी तैयारी करते हैं तो क्या करते होंगे कि आप सोचिए कि हो सकता है कि एक दो दिन हम लोग 18-18 घंटे पढ़ लें, 20 घंटे पढ़ लें, ठीक है। लेकिन एक दिन आप सोचेंगे, दो चार दिन बाद आप लोग कमजोर होते जाएंगे, तो आप लोगों को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यही रहता था, इसके लिए भी गांधी जी रुक जाते थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास साहब ने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के भीतर ही कर दिया। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर और 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। 1930 के बाद तो पूरी दुनिया धराशायी हो गई, ये आप सुनते रहते होंगे आर्थिक मंदी इस समय की। कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण एक इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगी। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे आप लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके भाग्य का आपके बारे में एक समिति थी, आपके कामों के लिए, आपके लिए भलाई के लिए, लेकिन उसमें आपको शामिल नहीं किया गया था, आपके किसी भी देश के नागरिक को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अब आप सोचिए कि भारत की व्यवस्था के लिए कोई आयोग बनाएगा, उसमें आप सोचिए कि कोई भारतीय शामिल ना किया जाए तो कैसा रहेगा। इसी कारण इसका विरोध भी किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने आखिर में दम तोड़ दिया। इसी के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था और उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रस्ताव घटता जा रहा था।
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाने की बात की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी भी हम लोग मनाते हैं। ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 की पिक्चर है। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं और सुभाष चंद्र बोस बाएं से पांचवें को भी आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ कुछ आपका पॉइंट ऐसे भी देख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय समाज जनता का भी यह आहरणीय अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले और अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारे यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपने जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में वित्तानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उसने जनता का शोषण किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए, यानी कि हम लोग आजादी की तरफ बढ़ने लगे। अब बात करते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने उनको नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया और नमक को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, एक कॉमन है, ऐसा हर कोई से यूज करता है, उपयोग करता है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। किसने? गांधी जी ने। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख भी किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा भी था। इसलिए नमक पर कर, उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। आप सोचिए कि अभी हम लोग शक्कर के बिना शायद रह सकते हैं लेकिन नमक का अगर उपयोग ना करें तो हम लोग मतलब जीवन को हम लोग एक तरह से किस तरह से समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? और फिर भी आप देखते हैं कि नमक सस्ता है तो इसीलिए तो सस्ता है कि सबकी उपलब्ध रहे इस तक पहुंच। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा आपकी साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली में ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनते आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें और यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू किया। यह कानून का उल्लंघन था। आप समझिए कि इसमें सीधा सा जोड़ने का, आदमियों व्यक्तियों को जोड़ने का माध्यम था यही। एक जगह से दूसरी जगह गांधी जाएंगे, उन्हें लोग देखने आएंगे और जुड़ते जाएंगे, ठीक है? तो इसे ही आप लोग कानून, नमक कानून कह देते हैं, नमक यात्रा, ठीक है? यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार पाल लोगों को न केवल
अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि उपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने लगे, मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। और एक बात और याद रखी, समय गुजरता जा रहा था, गांधी जी भी अहिंसा से थोड़े हटते जा रहे थे, कुछ हद तक छूट देते जा रहे थे, क्योंकि गांधी जी भी सोच रहे थे कि हाथ जोड़ने से बहुत टाइम तक काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? इस पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे, दांडी मार्च, नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे भी गए। इसमें महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजों शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1,00,000 लोग गिरफ्तार कर दिए गए। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस, 1930 की ये पिक्चर सर। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिए। इसे हम लोग गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसके जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी। याद रखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे, केवल दूसरे में। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं, प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते थे उसकी गति मंद पड़ने लगी। आप एक बात सोचिए कि हम लोग आज जो आजादी मिली हुई है, जिसका हम लोग ज्यादा महत्व नहीं समझ रहे हैं, आप देखिए कितना, मतलब इसका कितनी, इस आजादी के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी, किस तरह से अपना योगदान दिया, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तभी जाकर आज हम लोग चैन से सांस ले पा रहे हैं। और हम लोग अपने जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। इसे भी देख लेते हैं, क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुए बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसे आप लोग HSRA के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटू केशव दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह साहब पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। आज के हम लोग युवाओं को देखिए, 23 साल में बोलना भी नहीं सीख पा रहे हैं अच्छे से, सोचना भी नहीं सीख पा रहे हैं, बचकाना हुआ है, भरा पड़ा हुआ है,
और आप देखिए उस समय 23 साल में अपना नाम कमाकर चले आए, देश के लिए कितना प्रेम था। यही होती देशभक्ति, यही होता है राष्ट्रवाद। आज का राष्ट्रवाद नहीं है आपका कोई भी, समझ रहे हैं? आज तो एक धर्म से दूसरे धर्म का लड़ना, एक से दूसरे को नीचे दिखाना, यही इसमें काम चल रहा है। लोग जी ही क्यों रहे हैं? आप कभी सोचिए तो इस पर विचार भी कीजिए कि हम एक भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, मालूम ही नहीं किस लिए भागते जा रहे हैं। वही हाल है कि किस लिए जिए किस लिए मरे पता ही नहीं है। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानवता, मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सैमिक वर्ग के ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना सैमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इन विश्वासों के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहज स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन निवेद के लिए के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान। ये आपका 6 जून 1929 का है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए आप लोग अगर संतुष्टि से आप सोचिए कि इन्हें कोई वो नहीं है कि हम कुछ साल और जी लें और साथ जी लें, आप अगर अपने कर्म को पूरा करते हैं, आप पूरी तरह से अच्छे रास्तों पर चलते हैं, तो अगर कल भी हमारे सामने मौत हो तो हम कोई अफसोस नहीं होगा हमें, समझ रहे हैं? और डर के वही मौत से जीते हैं जो मतलब जिनमें सच्चाई ना हो, जो सच में हकीकत क्या हो उसमें ना जीते हो, समझ रहे? लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यवसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को वर्कर को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने उनमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं कि जब उनका उद्देश्य पूर्ण ना हो तो उनका मायना भी बदल जाता है, वो ठंडे पड़ जाते हैं। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों के से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों की जमीन पर का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारी को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा भी लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंधित अनिश्चित बने रहे। आप सोचिए कि कांग्रेस एक तटस्थ भूमिका निभा रही थी, उन्हें लगता था कि हम इनका साथ देंगे तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी भारी मुनाफा कमाया था, वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसे औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आए। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, 1927 में
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी डी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था, वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। वो भी नहीं चाहते थे कि इस तरह से अशांति फैले। औद्योगिक श्रम में एक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो औद्योगिक वर्ग होता है और जो श्रमिक वर्ग होता है, इनकी एक तरह से आप समझिए कि इनका एक दूसरे से टकराव रहता है, समझ रहे हैं? क्योंकि औद्योगिक घराने होंगे, वो चाहेंगे हमें सस्ता श्रम मिले हमारी, मतलब और भी उन्हें वो लाभ पर पूरा केंद्रित रहता है उनका ध्यान। और मजदूर, आप सोचिए, मजदूर भी चाहेंगे कि हमारी स्थिति सुधरे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की ओर 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल शुरू हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचाती रही। वो एक वर्ग को नाराज नहीं करना चाह रही थी, समझ रहे? कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में से जाने का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। और कुछ खास औरतों की स्थिति को सुधारने की बात भी नहीं की जा रही थी, इसमें दिख रहा होगा औरतें आपको। राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस क्षेत्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज्यादा उम्र वाली औरतों और माओं को भी जुलूस में देखते होंगे। यहाँ आपके कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लीजिए आप, तो क्योंकि इनसे आपके प्रीलिम्स में बन जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। 1918-19 बाबा रामचंद उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। फरवरी 1922 चोरी चोरा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं इस घटना के बाद। मई 1924 अल्लोरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। दिसंबर 1929
लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 अंबेडकर दमित वर्ग एसोसिएशन की दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कौन? अंबेडकर साहब। मार्च 1930 गांधी जी दांडी के नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। और दिसंबर 1931 की बात करें तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और 1932 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाता है 1932 में। सविनय अवज्ञा की कुछ सीमाएं थी, इसे भी देख लेते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का ही था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे। कांग्रेस में लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी कम सीमित थी। महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी जहां उनके संगठन काफी मजबूत भी थे। एक बात हमेशा याद रखिए कि एक तो हमारे देश में ही कई समूह बटे हुए थे, आप सोचिए, इसलिए भी आम लोगों को जाकर बहुत बाद में आजादी मिली हुई है। और कांग्रेस भी बनी तो ये पूरी तरह से आप सोचिए कि बीच में थी, कि एक तिथि का पक्ष भी नहीं ले पा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दमित वर्गों जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। गांधी जी में एक कला और थी कि कुछ भी उन्हें मनवाना हो तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, समझ रहे हैं? और अंग्रेजों में ये कला थी, क्या कला थी अंग्रेजों में, कि अगर एक किसी भी समूह को छोड़ा कांग्रेस में तो उसकी मतलब मदद करने लगती थी, फिर चाहे आप मुस्लिमों की बात कर लीजिए, दलितों की बात कर लीजिए, ठीक है। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम समुदाय टकराव व दंगे भी हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला भी बढ़ने लगा क्योंकि आपने देखा है कि अपने अपने धर्म को कुछ ज्यादा ही समय मान्यता देने लगी। ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद साहब, सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 के ये पिक्चर।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा था भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधियों के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौता के लिए किए जा रहे प्रयासों को की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार भी नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान हो जाएगी। उस समय आप सोचिए कि संविधान जैसा कोई उस समय प्रावधान भी नहीं था। आज आप सोचिए कि धर्म हमारा, कई धर्म हमारे यहाँ रह रहे, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जैन, आप समझ रहे हैं, लेकिन सब लोग एक रह कर रह रहे हैं। क्यों, किस लिए रह रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं संविधान में सबकी मतलब भरोसा है। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सब कोई आदर करता है, इसीलिए हम लोग एकता बनी हुई है। अगर धर्म के नाम पर बात कर दो तो हमारे देश के कई टुकड़े हो जाएंगे। आप सोचिए, ये आपका नीचे पॉइंट है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी उसका बौद्धिक उचित उनके इसी बयान से उपजा था। किसके? इकबाल के। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था, मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का आगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों का भी की भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उन सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लायात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभाग में बटी हुई नहीं। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशेषताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमजोर हैं, उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर से पंजाब में और कई प्रांतों में उनकी संख्या बहुत कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का क्या है। एक इसने इकबाल का जो बयान था उसी का है, वही है, ठीक है। ये पूरा बात करते हैं अब सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि अब हम बढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद की ओर।
ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी की शुरुआत की तस्वीरें हैं। ध्यान से देखें, तिलक एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए हैं। देख रहे हैं आपको, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझावाद ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों या फिर भाषाओं से समृद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? यानी कहने का मतलब है कि जब लोगों के विभिन्न समूह हो गए, विभिन्न धर्म हो गए के लोग हो गए, उनमें एकता, मतलब एकता का कोई सूत्र बांधने वाला कोई भी तत्व ऐसा हो कि जो उन्हें उसमें बांध के रखे और उन्हें अपनेपन का भाव रखे कि हम सब एक हैं और हमारा उद्देश्य है, ठीक है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र व प्रीति सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। अभी अगर हम लोग करंट की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा गीत है, फिर चाहे आपका राष्ट्रगान हो, फिर चाहे हमारा संविधान हो या फिर हमारा राष्ट्रध्वज, ये हमें इस तरह से बांधे हुए हैं एकता में। वो यही हमारे यहाँ आज राष्ट्रवाद के प्रमुख, आप स्तंभ कह लीजिए चाहे प्रमुख तत्व कह लीजिए, यही है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की एक की पहचान सबसे ज्यादा किस तस्वीर में अंकित की जाती है, इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी है। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे इन्होंने अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में, सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। और आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप में ग्रहण करती है। इस बात छवि के प्रसिद्ध सिद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ये आप देख रहे हैं, भारत माता, अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में ही बनाई हुई छवि है। एक बात और आपको बताऊं कि देखिए, अभी भी हम लोग कभी भी अपनी भारत माता या फिर हमारी जो जन्मभूमि है भारत है, इसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ देखिए धर्मों में बुराई चलती है, हिंदू की मुस्लिम से, मुस्लिम धर्म से टकराहट होती रहती है, सिखों से, जैनों की, इस तरह से, मतलब सभी की। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं राष्ट्रध्वज को काट दूंगा, ये सब कोई भी वक्तव्य किसी ने नहीं दिया होगा। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि संविधान को हम नहीं मानते किसी की मर्जी, क्योंकि सबकी हमारी आस्था संविधान में है। और एक आज हमें एकमात्र ऐसे ही एक कुछ कारण है जो हमें जोड़ के रखे हुए हैं। वरना आप सोचिए कि धर्म के नाम पर अगर हम लोग एकता दिखाएं तो हमारे यहाँ कई तरह के धर्म हैं, आप सोचिए कि कितने भाग में बट जाएंगे हम लोग। ध्यान से देखें, यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन, कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। आज भी हम लोग कोई बात होती तो हम कहते हैं अपनी भारत माता के प्रति वफादार हैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने लगे।
करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन चार खंडों में विकसित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। अगर हम लोग राष्ट्रवाद के पनपने की बात करें तो इसमें कई कारण आपके सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें आप सोचिए रेलगाड़ी का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आपने देखा एक जगह से दूसरी जगह रेलगाड़ी जाने लगी, सुविधा हो गई, तो एक दूसरे से लोग जानने लगे। अंग्रेजी शिक्षा का भी उतना ही महत्व कह सकते हैं आप लोग, समझ रहे हैं। तो ये सभी का आप फिर चाहे कहानी हो, गीत हो, आपका कोई गान हो, ये सभी ने भी राष्ट्र में एकता को मतलब बढ़ावा दिया है। ये आप चित्र देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू एक लोकप्रिय चित्र। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। आज आप ही सोच लीजिए, आर्मी में ये आप कभी नहीं कहेंगे कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आप भारत माता के लिए अपनी जान कभी भी निछावर कर सकते हैं, इतनी आपके अंदर इसके प्रति वफादारी होती है अपने देश की। ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनके राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह की चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत में 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल, हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद लाल हरा लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन की प्रति अयोग्या का संकेत देता था। ये आप चित्र दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, भारत माता की यह छवि अवनिंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी हुई है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता की प्रतीक है। और याद रखिए, महिलाओं को इसलिए चुना गया इस चित्र में क्योंकि माता, और आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा अपने यूरोप में राष्ट्रवाद, तब भी आपने देखा होगा कि एक औरत का जिक्र आ रहा है, यानी कि माता का आ रहा है, स्त्री का आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हैं कि स्त्रियों पर कितनी पाबंदी लगी हुई थी। अगर मान लीजिए कि आप लोग स्त्रियां अगर स्वतंत्र हो जाती, उन्हें अधिकार मिल जाते, तो देश स्वतंत्र हो गया, यही कहने का मतलब हो जाता था। इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा ही चुना गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपने शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। और आपने देखा कई बार उन्होंने इस बात का ताना भी दिया है कि हम तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए आए हुए हैं, समझ रहे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने, ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता है। आप समझिए, हमारी जो सभ्यता है ये बहुत पुरानी है, आप समझ रहे हैं।
आज की नहीं है, किसी ने उधार नहीं दे दी है। हम लोग बहुत विकसित रहे हैं शुरू में, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। किसका? हिंदुओं का। और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थी, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। पुराने जमाने में भारत में आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों की साहस, सच्चाई, विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और ततार, चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए थे। इस तरह की कहानी आप सोचिए गढ़ती जाती होगी तो उनमें मतलब हम लोगों में बड़ी मतलब वो आती होगी एनर्जी, हम लोगों को भी गर्व होता हुआ कि हमारे देश में कि कितने कितने अच्छे अच्छे महान शासक हुए। लास्ट में क्या कह सकते हैं, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय वर्गों, समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास भी किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विविधों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियां और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर रहा था वह उपनिवेशित शासन से मुक्ति की चाह रखने वाले बहुत सारी आवाजों का पुंज था। याद देख रहे हैं मिचित भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस है। एक बात आप लोगों को और बताऊं, देखिए आप लोग सोच लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, चलिए आप दिल्ली जा रहे हैं सभी लोग, तो हो सकता है कि आप में से दिल्ली जाने के लिए कोई पढ़ने के लिए जा रहा हो, कोई इलाज करवाने के लिए जा रहा हो, कोई आप सोचिए कि नौकरी के लिए जा रहा हो, तो आपके मतलब देखिए रास्ता एक ही है, समझ रहे, रास्ता एक ही है लेकिन उद्देश्य आपका अलग अलग है। तो यही ये समय भी देखा जा रहा था कि आजादी पाना सबका उद्देश्य था, यानी कि अंग्रेजों से मुक्ति पाना सबका मतलब रास्ता था। और जैसे अगर आप सोचिए कि किसान अगर आजाद हो जाते हैं तो उनकी किसानी बहाली हो जाएगी, आदिवासी यानी कि जनजातियों का मानना था कि उनकी मतलब वनों के अधिकार मिल जाएंगे, तो इस तरह की स्वतंत्रता का एक तरह से सबके अलग अलग अर्थ थे। भारत छोड़ो आंदोलन, किप्स मिशन की असफलता एक द्वितीय एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत को छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण भी दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, लोगों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मतंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बउआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में एक वर्ष से अधिक समय लग गया। एक बात और आपको बताऊं यहाँ कि आज हम लोग सोचिए कि आज अगर हमारा देश लूट रहा है, एक तरह से नेता आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश को बर्बाद करने में लगे हुए, अभी हम लोग कोई नहीं बोल रहा है,
हम लोग क्या सोच रहे हैं, अरे रहने दीजिए हमारा काम। अगर आप सोचिए गली में किसी गरीब के साथ मारपीट हुई हो जाती तो हम वहां तमाशा देखते चले जाए, अरे रहने दीजिए। एक दिन हो सकता है कि ऐसी क्रांति आए, मतलब ऐसा एक टाइम आए कि सभी के मतलब सभी को इन नेताओं से छुटकारा पाना पड़े, हमारे देश से भ्रष्टाचार को हटाने की बात की जाए, तो हो सकता है कि तब भी राष्ट्रीय एकता जागे और आप देश से भ्रष्टाचार हट जाए। और राष्ट्रीय एकता का कोई परिभाषा आप लोग एक तरह से नहीं दे सकते हैं, हजार तरह से बदलती रहती है इसकी परिभाषा। आज हम लोग संविधान के जरिए जुड़े हुए हैं भारत एकता में, हो सकता है कल आपको कह दिया जाए कि जो अमरूद खाएगा और वही राष्ट्रवाद कहलाएगा, और सबकी भावनाएं मतलब एक हो जाए अमरूद खाने में, अमरूद से लगन हो जाए आप लोगों को, तो ये भी तो एक राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है। धर्म भी तो एक राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है, पाकिस्तान को देख लीजिए आप लोग, मुस्लिम एक तरह से जुड़े हुए हैं, उनका मतलब राष्ट्रीय प्रेम वही है, अपने धर्म के प्रति कुछ भी कर बैठना, तो उनका राष्ट्रवाद धर्मवाद इस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, इसमें आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लगा सकते हैं, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, अगर टाइम मिलता है तो निकलवा लीजिए पीडीएफ और अपने पास। अच्छे, चलिए तीसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना।